तो देखो भाई लोग, आज मैं टोयोटा की बेहद ही खूबसूरत सेडान कार के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ, जिसका नाम है क्राउन। रिसेंटली टोयोटा कंपनी ने इस कार का 16th जनरेशन मॉडल ग्लोबली लॉन्च किया है, और टोयोटा कंपनी ने इस कार को सबसे पहले 1955 में लॉन्च किया था। तो यहाँ पर इस कार का 16th जनरेशन मॉडल लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर काफी चेंजेस करे गए हैं, और भाई इस कार का लुक मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगा। इसी कार के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे, और इस कार की कीमत काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करने ही वाले हैं। लेकिन टोयोटा कंपनी ने इस कार को दो पेट्रोल इंजन के साथ उतारा है। पहला इंजन है 2.4 लीटर फोर सिलेंडर हाइब्रिड इंजन, और दूसरा है 2.5 लीटर फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन। इस कार का 2.5 लीटर पेट्रोल इंजन लगभग 236 bhp की पावर आउटपुट निकाल लेता है, लेकिन आज के डेट में टोयोटा फॉर्च्यूनर 201 bhp की पावर आउटपुट निकाल लेती है। तो इस सेडान कार के अंदर आपको फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा पावर आउटपुट मिलने वाली है, लेकिन ये पावर यहाँ पर खत्म नहीं होती। टोयोटा कंपनी ने इस कार के अंदर जो 2.4 लीटर हाइब्रिड इंजन दिया हुआ है, वो कंबाइन में लगभग 340 bhp की पावर आउटपुट निकाल लेती है, यानी डेढ़ फॉर्च्यूनर की पावर आउटपुट आपको इसके हाइब्रिड मॉडल के अंदर मिल जाएगी। और ये मॉडल 0-100 किलोमीटर आवर का स्पीड सिर्फ 5.7 सेकंड के अंदर पकड़ लेता है। तो यहाँ पर काफी पावरफुल इंजन का इस्तेमाल किया हुआ है टोयोटा ने क्राउन के अंदर, और ये सेडान कार भाई काफी लाजवाब है। इस कार को TNGA के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्डअप किया गया है। हालांकि TNGA काफी फेमस प्लेटफॉर्म है, और टोयोटा ने बहुत सारे कारों को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्डअप किया है। लेकिन अगर मैं इस कार के एक्सटर्नल लुक की बात करूं, तो भाई इस कार का फ्रंट का फीचर, रियर का फीचर और साइड का प्रोफाइल दिखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। और इस कार के एक्सटीरियर में जो मेजर अट्रैक्शन वाला पार्ट मुझे लगा, वो है इसका स्लोपिंग रूफ लाइन। इसके अलावा इस कार का रियर का फीशा, ये दिखने में काफी ज्यादा आई कैचिंग है। टोयोटा ने डिजाइन काफी बढ़िया तरीके से किया है यहाँ पर इसके साइड प्रोफाइल का और रियर के फीशा का। फ्रंट फीशा आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, काफी यूनिक ग्रिल का सेटअप आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको क्वाड LED हेडलाइट का सेटअप मिलने वाला है, और LED हेडलाइट को देखने के बाद आपको बुगाटी चिरॉन की डेफिनेटली याद आने वाली है। तो क्यूब शेप में इसके LED हेडलाइट का सेटअप आप देख सकते हैं, और हेडलाइट के ऊपर आपको स्लीक फॉर्मेट के अंदर LED DRL का सेटअप भी मिल जाएगा। यहाँ पर बाईफंक्शनल LED DRL का सेटअप ऑफर किया है टोयोटा ने, और इसके फ्रंट के बम्पर्स आपको थोड़े से स्पोर्टियर मिल जाएंगे। इस कार के अंदर न्यू डिजाइन टेम स्पोक अलॉय व्हील का ऑप्शन दिया हुआ है, और आपको 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलेंगे एज अ स्टैंडर्ड। आप 21 इंचेस के साथ भी जा सकते हैं। टोयोटा कंपनी ने इसके बोनट के ऊपर इसके अलावा रियर की फीशा में ब्लैक कलर फिनिशिंग का यूज किया हुआ है, जिसके तहत ये कार दिखने में काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग लगती है। स्क्रीन के ऊपर कुछ इमेजेस या फिर मैं वीडियोस डिस्प्ले कर दूंगा, जिसके तहत आप इसका ड्यूल टोन वाला मॉडल देख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं इस कार के लुक की बात करूं, तो इस कार को मैं 10 out of 10 पॉइंट्स देना चाहूंगा। आप इस कार को कितने पॉइंट्स दोगे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। लेकिन अगर मैं इस कार के इंटीरियर फीचर्स की बात करूं, तो भाई इस कार का इंटीरियर भी काफी बेहतरीन है। यहाँ पर आपको काफी प्रीमियम लेदर का यूज देखने को मिल जाएगा इसके सीट के ऊपर, अपोस्टी के ऊपर, आर्मरेस्ट के ऊपर, इसके अलावा डुअर्स के ऊपर और डैशबोर्ड के ऊपर आपको प्रीमियम लेदर का यूज देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ आपको बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन मिलने वाला है। हीटेड एंड वेंटिलेटेड फ्रंट सीट का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन रियर में सिर्फ हीटेड सीट का ऑप्शन दिया जाता है, तो ये भी काफी बेहतरीन बात है। हालांकि ग्लोबल मार्केट में टेम्परेचर काफी कम रहता है, उसी वजह से ये फीचर बहुत सारी कार कंपनियां प्रोवाइड करती है। और इस कार के अंदर आपको हीटेड स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो ये भी काफी बढ़िया बात है। हालांकि स्टीयरिंग व्हील का डिजाइन आपको कंप्लीटली नया देखने को मिल जाएगा, और काफी बड़ा यानी 12.3 इंच का टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया है टोयोटा कंपनी ने इस कार के अंदर, और सेम साइज का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों ही चीज आपको कंप्लीटली डिजिटल मिलने वाली है, और यहाँ पर कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन दिया हुआ है। गाने सुनने के लिए JBL के आपको 11 स्पीकर्स मिल जाएंगे। उसी के साथ इसका सेंट्रल कंसोल आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। सेंट्रल कंसोल का डिजाइन भी काफी यूनिक रखा है, और इस कार के अंदर आपको काफी बेहतरीन फीचर्स इंटीरियर में देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं इस कार के इंटीरियर की बात करूं, तो भाई इस कार का इंटीरियर काफी बेहतरीन है, और इस कार का एक्सटीरियर लुक मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगा। अब बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। इस कार को अलग अलग देशों में बेचा जाता है। इस कार को यूएसए में बेचा जाता है, जापान में इसको 1955 से बेचा जा रहा है। इसके अलावा अलग अलग कंट्रीज में इस कार को टोयोटा कंपनी काफी लंबे समय से बेच रही है। हालांकि जापान में इस कार की कीमत लगभग 20 लाख रुपए के आसपास चली जाती है, लेकिन यूएसए में 25 से 30 लाख के आसपास इस कार की कीमत आपको देखने को मिल जाएगी। यानी ये प्राइस मैंने कन्वर्ट करके आपको बताई है। आपको क्या लगता है इस कार की कीमत इंडिया में कितनी होनी चाहिए, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। 10 में से इस कार को आप कितने पॉइंट्स देना चाहोगे, वो भी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।